अब ऐसे लगता है ऐसे कोई चीज नहीं रहेगी जो नहीं हुई अभी तक। फिर ये आउट ऑफ बजट हो जाना है। वही मैं कह रही हूँ ना, पहले नीचे से हो जाएगा वो सारा जो है ना चीजें हमारी सिंपली सिंपली लगेंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा आपसे रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और भाई आज मौसम ने मारी है कल्टी, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से उसने कल्टी मारी है। हल्की हल्की स्मोग होती थी लेकिन आज तो भाई फॉग ने यहाँ पर डेरे डाल लिए, बहुत ज़्यादा फॉग है। और अभी देखें इधर फसलों की तरफ कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। यहाँ आबादी है ना, तो आबादी वाली जगहों पे थोड़ी कम होती है, लेकिन फसलों की तरफ जाएं तो बहुत ज़्यादा फॉग होती है। मैं आपको फसलों वाली साइड पे दिखाता हूँ कि फसलों वाली साइड पे क्या हाल है। ये भाई मेरी चाय भी बन गई है और अभी मैंने स्कूल भी जाना है, मैंने कहा पहले फॉग देख लें उसके बाद फिर मैं स्कूल निकलता हूँ। ये देखे भाई, ये है साइड फसलों वाले, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब मैंने इस धुंध में स्कूल भी जाना है बाइक पे, इधर मेरी बेचारी बाइक भी खड़ी है और मैंने इस धुंध में सफ़र करना है। एक सर्दी, ऊपर से धुंध, नज़र कुछ नहीं आना, तो सफ़र बहुत मुश्किल होने वाला है आज मेरा। दुआ कीजिएगा खैर वाफिया से पहुंच जाऊं। मजबूरी है भाई, स्कूल जाना पड़ता है, क्या करें, नौकरी तो करनी है ना। लेकिन आज मुझे टेंशन हो रही है काफ़ी ज़्यादा कि इस धुंध में मैं कैसे जाऊंगा। और ऊपर से भाई लाइट भी बंद है यहाँ पे, रात को पत्नी लाइट ने मारे हैं झटके, तो कोई ना कोई चीज़ लगता है उड़ गई है जिसकी वजह से लाइट अभी तक नहीं आ रही। ये चारपाई क्यों खड़ी है? हमारे काफ़ी व्यूवर्स कल की वीडियो में ये सवाल कर रहे थे कि ये चारपाई ऐसे नहीं रखनी चाहिए। असल में हमारे आए हुए हैं मेहमान, तो हमने सेपरेशन की है इसको यहाँ पर ऐसे रख के। वो देखिए इसके ऊपर हमने पर्दा भी डाला हुआ है ताकि इस साइड पे कोई चीज़ नज़र ना आए, तो इस वजह से हमने मजबूरी में ये चारपाई ऐसे खड़ी की क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मतलब दरवाज़ा तो लगा हुआ नहीं है और पर्दा भी यहाँ पे नहीं लगा हुआ, तो इंशाल्लाह उसका भी कोई इंतज़ाम करते हैं। तो पहले मुझे सब ये कहते रहते थे कि यहाँ पर दरवाज़ा लगवा लो, पर्दा लगवा लो, लेकिन मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया। मैंने कहा हाँ मेहमान आने हैं मेरी तरफ, अगर आया भी सही तो वो भाई लियाकत वाली बैठक में बिठाएंगे, लेकिन वहाँ पर हो रहा है काम, इस वजह से मेहमानों का इंतज़ाम इधर करना पड़ा, तो फिर ये वाला जो है ना चारपाई वाला काम मुझे करना पड़ा। चाय कितने गई मेरी? नहीं नहीं ठीक है भाई, चाय दोबारा गर्म करने का टेस्ट नहीं आता। हाँ दोबारा रहने दो, चाय ऐसे ही ठीक है। ऊपर मलाई भी जम गई है तो ये मुझे उतार लेने दो मलाई, क्योंकि मैं भाई मलाई नहीं पीता है। ओ ये आ गई मलाई, आ हा हा, सुबह सुबह चाय का मजा। अस्सलाम वालेकुम, वैसे तो पहले दुआ सलाम जो है वो पहले हो चुके हैं, तो सदाकत जो है वो जा चुके हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो है धुंध जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो सूरज है ना कभी निकल आता है कभी दोबारा से फिर जो है बादलों के पीछे छुप जाता है, तो ऐसे आँख मचोली जो है ना वो चल रही है। लेकिन मौसम जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है इस वक्त, पहले तो बहुत ज़्यादा ठंड थी लेकिन अब माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। तो आज कुछ वीडियो ऐसी होने जा रही है कि मैंने सोचा सदाकत जो है वो जा चुके हैं, तो मैं क्योंकि कल या परसों तक शायद मैं जो है चली जाऊंगी और क्योंकि मेरे पेपर्स आ चुके हैं, तो मैं सोच रही थी क्यों ना पूरे घर की सफाई कर लेती हूँ क्योंकि फिर 10 दिन होंगे गैप पड़ जाएगा, फिर मैं सोच रही हूँ घर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए सबसे पहले मैं सफ़ाई कर लेती हूँ और सदाकत के जो कपड़े वगैरह है वो प्रेस करके रख देती हूँ। उन्हें लाहौर जाना है तो उनकी भी तैयारी वगैरह पैकिंग वगैरह कर देती हूँ। अभी कपड़े जो हैं वो भी मेरे धुल चुके हैं सारे, आज कपड़े मैंने सोचा धो देती हूँ, और जो अपने कपड़े हैं ना वो मैं तार पे डाल दूँगी और जो सदाकत के कपड़े हैं वो मैं ऐसे इस्त्री कर दूँगी क्योंकि ऐसे इस्त्री करना मुझे बहुत ईजी लगता है। कपड़े जो हैं वो मैंने छत पे फैला दिए हैं, तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि किचन से स्टार्ट करते हैं सफाई और किचन को साफ़ करके बाकी जो है ना सारे कमरे जो हैं उन्हें साफ़ करूँगी। सबसे पहले किचन साफ़ करते हैं। ये नाश्ता पका है तो शेल्फ जो है ना वो भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है, तो सबसे पहले चूल्हा साफ़ करके फिर इस शेल्फ साफ़ कर। चलें जी, चूल्हा जो है वो साफ़ हो चुका है, अब बाकी जो है ये बॉक्सेस वगैरह जो है इन्हें साइड पे हटा के बाकी सफाई शुरू करें।
कि ये जो जगह है ना ये बहुत ज़्यादा पता नहीं ख़राब हो चुकी है, इसके ना चमक नहीं आती, इसके ऊपर जो ना धब्बे से बन जाते हैं सफ़ेद कलर के और वो बिल्कुल भी नहीं होते उतरते, पता नहीं ये क्या मसला। इस पर मैंने वो जो कहते हैं ना सिरका और सोडा ट्राई करते हैं वो भी ट्राई किए, लेकिन ये सफ़ेद धब्बे जो है ना वो नहीं जा रहे, पता नहीं क्या मसला है। जैसे ही वो धुल के साफ़ होते हैं ना फिर उसे वैसे ही बनने लग जाते हैं। चलें जी किचन जो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए, और वैसे ना काफ़ी जो व्यूअर्स हैं ना वो कमेंट करते रहते हैं कि ना किचन में ऐसे फैलावा मचा होता है और ये किरण जो है वो समेटती नहीं है। तो अभी आप पीछे देख सकते हैं ये जो बॉक्सेस वगैरह पड़े हुए हैं, अब ये तो जाहिर है बर्तन है किचन की चीज़ें, तो इन्हें किचन में ही रखना है, और ये ऐसे रैंडम ही लगते हैं। वैसे तो बॉक्सेज हैं वो अपनी जगह पर बेचारे पड़े हुए नुक्कर में लग के और किसी को कुछ कह नहीं रहे, लेकिन व्यूअर्स जो हैं शायद उन्हें ये देख के अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये किचन की चीज़ें तो ये किचन में ही शूट करती होती हैं, और इन्हें जैसे मर्जी सेट कर लो ये ऐसे ही लगेंगे जब तक हमारा किचन जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो कोई नहीं, बर्दाश्त कर लिया करें, देख लिया करें, कभी ना कभी तो इंशाल्लाह जो है हमारा किचन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। भाई अब स्कूल से घर वापस आ गया हूँ, सुबह आपने देखा था भाई काफ़ी ज़्यादा धुंध थी और सर्दी थी, धुंध और सर्दी जो है ना मुझ पर असर कर गई है और मैं घर वापस आया हूँ बीमार होके। 1:20 हो चुके हैं अभी घर बस वापस पहुंचा हूँ, नजला जुकाम, गला खराब, बुखार अब ऐसे लगता है ऐसे कोई चीज नहीं रह गई जो नहीं हुई अभी तक। रास्ते से चेकअप करवा के आना था ना। सर्दी की वजह से हो गया, सुबह धुंध थी काफी ज्यादा, ठंड भी थी तो नजला जुकाम हो गया। मैं गला खराश कर रहा था तो मैं लेके आया हूँ जलेबियाँ, मुझे चाय बना के दो, कहते हैं चाय के साथ जलेबियाँ खाना या दूध के साथ, दूध के साथ होती हैं। गले में बहुत खराश है और फिर चाय भी पीनी है। ये खुफिया जलेबी है ये। अच्छा। आप रेस्ट करें ना। मैं बाहर धूप पे बैठ रहा हूँ, बड़ा मुश्किल मेरा वहाँ गुजारा हुआ, दिल कर रहा था कि बस पहले आ जाऊँ, लेकिन मैंने कहा चलो अब छुट्टी होने वाली है तो छुट्टी टाइम ही जाऊँगा। तो भाई चाय बन गई है, साथ में जलेबी भी आ गई है, पैनाडोल का, हाँ ये इधर पैनाडोल भी आ गई, साथ में पानी और नाक साफ करने के लिए टिश्यू। एक अदद गोली खा लेता हूँ। चाय और जलेबी, बिस्मिल्लाह। मीठे के साथ अच्छा लग रहा है, फिर दबा के खाएं। राज मसाला, धूप बड़ी अच्छी लग रही है और यहाँ पे बैठना भी काफी अच्छा लग रहा है। रेस्ट करने के बाद अभी मैं नहाया हूँ कुछ हद तक जो है ना भाई फ्रेश हो गया हूँ, और अभी टाइम देखें 3:30 बज चुके हैं, तब से मैं सोया हुआ था, बस अभी जागा हूँ, नहाया हूँ, फ्रेश हुआ हूँ। वैसे जाना इसने मैके और कपड़े मेरे धो के तैयार कर रही है जैसे मैंने जाना हूँ। रख दूंगी ना सारे, फिर आप पहनते रहेंगे। अच्छी बात है, इधर सारी शर्ट्स वगैरह इसने निकाल दी हैं इस्त्री करने के लिए, जितने भी मेरी शर्ट्स वगैरह जो कुछ है इस्त्री, कपड़े होंगे ना। हाँ 10 के, बीमार ना पड़ जाना। वैसे बीमारी से याद आया, जब भी तुम जाने लगती हो मैं बीमार हो जाता हूँ। सोच रही हूँ फिर मुझे जाते ही मुझे इधर की टेंशन लग जाती है, तो ना जाओ छोड़ो। नहीं ख्याल रखना ना, पेपर वगैरह की तैयारी करो, मैं इंशाल्लाह अपना ख्याल रख लूंगा। तो भाई इधर 2 शर्ट्स इस्त्री हो चुकी हैं, इधर एक पैंट, बस थक गई हो? 2 और भी की हैं। अच्छा वो उधर भी हुई बड़ी हैं, फिर रहने दो, अगर नहीं ज्यादा हो रही तो फिर थक के घर ना जाना। नहीं इसमें थकने वाली कोई बात नहीं, आराम आराम से करूंगी ना, ठहर ठहर के, बाकी जो है उधर उधर खाना पकना था ना, तो वो पका के अब दोबारा से फिर से शुरू करूंगी। ऐसे मैंने एक जाते जाते एक फरमाइश करने वाली थी। जाते जाते क्या फरमाइश करने जा रही हो भाई? किचन की ना अलमारियां बनवा ले। किचन अच्छा खासा तो लग रहा है, ये देखो काम चल रहा है हमारा। देखिए ना इतना बुरा लगता है ना यहाँ पे, वो सारा कोई ऐसे ना नज़्मो ज़ब्त ही नहीं है। वो तो तुमने नज़्मो ज़ब्त बनाना है ना यार, वो मैं डब्बे कहाँ उठा के रखूं? तो डब्बे तरतीब में ऐसे पड़े हैं, बाकी बर्तन वगैरह जो है वो सीधे करके रख दिया करो तो नज़्म व ज़ब्त कायम हो जाएगा। तो बर्तन जो है वो सीधे पड़े हैं, लेकिन फिर भी वो जब नीचे नजर जाती है ना तो सारा इग्नोर हो जाता है। मतलब तुम चाहती हो कि जो 10 वहाँ तूने रहना है मैं यहाँ पे ये काम करवाता हूँ? ऐसे क्यों, मैं अकेला क्यों खज्जल खुआरी काटूं भाई? इसमें खज्जल खुआरी के आपका भी दिल लगा रहेगा ना। हाँ ये बात तो है, काम भी हो जाएगा साथ में और मैं बोर भी नहीं होऊंगा। अभी वैसे फिलहाल मैं चाहती हूँ कि ये जो है ना ये सारे नीचे वाले जो है ना कवर हो जाए, और यहाँ पे जो शेल्फ डिवाइडर होते हैं ना वो साथ लगवा लीजिएगा, और जो इसके मतलब दरवाजे होते हैं हमारी के वहाँ पे साइड पे ऐसे हैंगर वगैरह लटके होते हैं जैसे चम्मच वगैरह लटकाने के लिए। अच्छा इस तरह, अभी ये नीचे वाला वो तो ऊपर वाले बॉक्सेस वगैरह बनते हैं उनके साथ सारी चीजें होती होती है वो, अगर आपने ऊपर वाले बॉक्सेस बनवाए तो फिर
फिर ये सारा एरिया कवर करना पड़ेगा, फिर ये आउट ऑफ बजट हो जाना। वही मैं कह रही हूँ ना, पहले नीचे से हो जाएगा वो सारा, जो है ना चीजें हमारी सिंपली लगेंगी। अच्छा मैं एक और सोच रहा हूँ, फिर ये ना नीचे वाला करते हैं ना ऊपर वाला सारा करते हैं, ये वाली जगह जो है ना विंडो के पास, यहाँ तुम्हें नजर आ रही है ये, यहाँ पे छोटे छोटे दो बॉक्सेस सिर्फ बनवा दिए जाए तो क्या ख्याल है? उसका क्या फायदा होगा? तो कवर तो हमने ही नहीं करना है ना, ये तो सारे दिख रहे हैं, आप खुद ही देखिए ना नीचे से जब देखते हैं ना नजर पड़ती तो इतना खराब लगता है। हाँ ये तो है, ये देखना जिस तरह से ये बोतलें पड़ी हैं, वो डब्बे सारे पड़े हैं, ऐसे बिखरा बिखरा लगता है, इधर वो बर्तन वगैरह सारे पड़े हैं ना, तो किचन वाकई ही बिखरा बिखरा नजर आता है। मैं कोशिश करूंगा कि ये वाला काम जो है ना करवा दूं। और क्या पक्का कर ले? अच्छा अभी तो दुआ कर लो मेरी तबीयत ठीक हो जाए, तबीयत ठीक हो गई ना, फ्रेश हो गया मैं, तो इंशाल्लाह ये मैं काम करवा दूंगा। अलमारी बनवाई थी कपड़ों वाली, वो भी खराब हो गई है, उसके ना पता नहीं कोई कांड पै गई है दरवाजे ना, वो सही तरह खुलते नहीं है और ना ही सही तरह लगते हैं, वो वाला काम भी अब ठीक करवाना है। ये जब बॉक्सेस बनवाएंगे ना तो फिर जो कारीगर आएगा उससे वो दरवाजे भी ठीक करवा दें। मुझे कोई डिजाइन शिजाइन समझा देना कैसे बनवाने, शेल्फ डिवाइडर कैसे होते हैं, और भाई आपने भी हमें आइडियाज देने हैं इस किचन के मुतल्लिक, इधर भी बहुत कुछ बिखरा पड़ा है। तो वो मैं प्रेस कर रही हूं ना कपड़े, इनको भी समेट लो, काफी बुरे लग रहे हैं ये यहाँ पे। चलो भाई तुम भी उठाओ साथ में, इकट्ठी करवाओ इससे। तो भाई इधर फसलों की तरफ आया हूँ और कमाद को भाई हाथ लगवाया हुआ है, इसकी छिलाई स्टार्ट कर दी है। ये देखें ये जो सारे ढेर लगे पड़े हैं इनमें गन्ने रखे हुए हैं और ऊपर खोरी डाली हुई है, और इधर बच्चे खोरी उठाने के लिए आए हैं क्योंकि ये जलाने के काम आती है, रोटियां वगैरह लोग पकाते हैं। बांध लोगे? बड़ी मुश्किल से उठा के जा रहा है। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, होप सो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।